आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज नगर पंचायत सरायमीर क्षेत्र का भ्रमण कर जल जमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया है उसको निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर पंचायत सरायमीर के आशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि पानी सप्लाई की पाइपलाइन को तत्काल चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी लीकेज हो उसे तत्काल ठीक करें ताकि घरों में हो रहे सप्लाई के पानी में गंदा पानी ना मिलने पाए। उन्होंने कहा कि सप्लाई के पानी में मानक अनुरूप क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत सरायमीर के ईओ को निर्देश दिया कि संबंधित MOIC से संपर्क कर क्लोरीन के टैबलेट प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत के सभी सभासद एवं NGO कर्मचारी टीम बनाकर जल जमाव वाले क्षेत्र में क्लोरीन के टैबलेट वितरित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी नागरिकों को जागरूक किया जाए कि उबला हुआ पानी ही पिए, पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालकर पानी पिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस राजस्व एवं नगर पंचायत के अधिकारी मिलकर पुराने बंद ड्रेनेज को चेक कर पुनः ड्रिल करें ताकि परंपरागत तरीके से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों से अपील किया कि अगले 15 दिन बहुत सतर्क रहें। उन्होंने सभी नागरिकों से कहा कि जिसने भी अवैध कब्जे किए हैं उसे खाली कर दें जिससे सफाई की व्यवस्था एवं पानी निकासी को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन में जमा हुए पानी को निकालने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन तहसीलदार पुलिस के अधिकारी रेलवे अथॉरिटी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी सहयोग करें। क्षेत्र जो कोतवाली में ली गई है बिजली शहर के जल जमाव की जो समस्या है उसको देखते हुए ली गई है। एक तो सबसे पहले नगर पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो पाइपलाइन है उनको सब कुछ चेक कर लें, कहीं ऐसा लीकेज वाली स्थिति ना हो जिससे कि जो घरों में पानी जा रहा है उसमें गंदा पानी चले जाए और किसी भी तरह की कोई महामारी से जन्म ले सके। तो वो आज ये लोग चेक करेंगे। दूसरा, अपना जो भी पानी सप्लाई है उसमें क्लोरीन की मात्रा को बढ़ाएंगे जो भी मानक है उसके अनुसार। साथ में आपके MOIC से संपर्क करके आप क्लोरीन की टैबलेट प्राप्त करेंगे और हमारे जो सभी सभासदगण हैं या फिर कोई NGOs हैं या आपके कर्मचारी की टीम बना के जिन जिन जगहों पे जल जमाव है वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट वितरित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट डाल के ही पानी पिए। और अगले 10 और 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पानी घटता है तो तब बीमारियाँ होने का डर रहता है। तो इसमें ये भी प्रचार प्रसार करेंगे कि उबला हुआ पानी पिए। मेरे आपसे भी अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी तो अच्छा रहेगा। एक तो उबाल के पानी पिए, सबसे सुरक्षित पानी वही होता है, और दूसरा क्लोरीन की टैबलेट का इस्तेमाल करें, और तीसरा जो नगर पालिका को निर्देश दिए हैं एक तो अपनी पाइपलाइन चेक कर लें, साथ में जो ड्रेनेज का जैसे आपके माध्यम से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि पुराने ड्रेनेज जो है वो बंद कर दिए गए, उन ड्रेनेज को पुराने हमारे नक्शे निकाल के तहसील और पुलिस और नगर पालिका नगर पंचायत तीनों मिल के उसको ड्रेनेज पैटर्न को समझेंगे और उस ड्रेनेज पैटर्न को वापस जीवित करेंगे जिससे कि जो पानी का जल जमाव का जो पुराना ट्रेडिशनली ज्योग्राफिकल जो रूट है नालों के माध्यम से जो जाता है वो वापस जीवित हो सके और पानी की निकासी हो सके। ये चीज़ तीनों राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत इन तीनों के अधिकारी मिलकर करेंगे। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आपकी जो जानकारी है क्योंकि आप पुराने यहीं के वासी हैं आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो वो भी आप ज्ञान यहाँ पे देंगे। और मेरा सभी नागरिकों से भी यही अनुरोध है कि देखिए अगर कहीं आपने कब्जा किया है जनहित में और आपके स्वयं के हित में ये है कि उस कब्जे को हटा लें, स्वतः खाली कर लें, बाकी अन्यथा प्रशासन और पुलिस के पास पूरे एक्ट और बाकी सभी प्रावधान है कि उसमें कार्रवाई करके वो कराया जा सके, पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ में रेलवे की जो बात है उसमें SDM साहब और तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब सब मिलकर रेलवे अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने भी एक लेटर भेजा है, हम उसको परस्यू करते हैं, अगर जो एक रूट बताया गया ऊपर तक नाले जाने का उसको भी चेक किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरा आपके माध्यम से सभी यहाँ के आसपास के गांव और नगर पंचायत के नागरिकों से कि अगले 15-20 दिन संभल के रहें।